50 بونس ہے टंगमक से लाइव अपडेट दिखा रहे हैं कि मौसम एक बार फिर बदल गया और मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पर बर्फबारी हुई है और बाहर से जो सैया यहाँ पर आए हैं वो इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। सबसे पहले आपको विजुअल भी दिखाएंगे हम अपने नाजरिक को कि किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म पुलिस माकमा ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर मुतरिक नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजाम के भी सख्त तेवर यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि सैयाहों की फैसिलिटी के लिए मकामी लोगों की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर बादल तोड़ टंगमर्ग में जो नाका लगाया गया है तमाम डिपार्टमेंट्स को मुतहर किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस म्यूनसिपल कमेटी टूरिज्म पुलिस और महकमा सैयाह के जो तमाम मुलाजमीन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर गाड़ियों में जो है जंजीरें बादल तोड़ चेक की जाती है। लाइव तस्वीरें आप सैयद इमकाम गुलमर्ग के गेटवे से आप देख रहे हैं टंगमर्ग की तरफ बिल्कुल यहाँ पर जिस गाड़ी के पास जंजीर नहीं है उसे यहाँ पर ही वापस जो है मोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें आप बराह रास्त देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और यहां पर टूरिज्म पुलिस के अफसरान जो है यहां पर बादल तोड़ तमाम इस मॉनिटर कर रहे हैं कि इस बर्फबारी के बाद जो सूरताल यहां पर अब क्योंकि महकमा की तरफ से पहले ही एडवाइजरी की गई कि अब दो यहां पर अच्छी खासी बर्फबारी होगी तो इस बर्फबारी के साथ साथ यहां पर सैयाहों को किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए इस तरह से बराह रास्त तस्वीरें जो कि यहां पर इंतजाम ने कल ही मुतर किया है कि यहां पर किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहां पर हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार और टूरिज्म पुलिस के एहलकार और महकमा सैयाहत के मुलाजमीन यहां पर बिल्कुल ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सैयाहों की जो यहां पर आज सुबह से ही बर्फबारी जो हुई है तो सैयाहों की भीड़ जो उमड़ आई थी तो यहां पर सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह नाका एस्टेब्लिश किया है इस नाके में जो है यहां पर मुख्तलिफ अफसरान जो है वो तैनात रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बराह रास्त टंगमग के गुलमग से दिखा रहे हैं कि ये गेट वे ऑफ गुलमग है और यहां पर जो सभी अफसरान जो है यहां पर आज मुतहरिक हुए हैं क्योंकि जिस तरह से एसडीएम गुलमग ने चंद रोज पहले इस बारे में एडवाइजरी जारी की कि इस बार सैयाहों के साथ साथ आम लोगों को तमाम जो सहूलियात है वो फराहम होनी चाहिए और जिस तरह से हम यहां पर मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं आज सुबह से ही सैयाहों की भीड़ जो है वो इस ताजा बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं गुलमर्ग और मकामी लोगों का रोजगार भी इस बर्फबारी से बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो विंटर गेम्स का आगाज अब गुलमर्ग में किया जाना चाहिए वो गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आगाज भी होगा और ये एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि सैयद इमकाम गुलमर्ग में इस बार एक बार फिर अच्छी खासी बर्फबारी शुरू हो गई है और इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए काफी तादाद में यहां पर सैयाह आ रहे हैं और जो भी गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों के पास जंजीर नहीं है क्योंकि इंतजाम इस वक्त मुतहरिक हो गई है क्योंकि सैयाहों की जो आमद जिस तरह से शुरू हुई है और जो सैयाह यहां पर आ रहे हैं काफी तादाद में उनको कोई दिक्कत न हो ऊपर जाके क्योंकि रास्ते में काफी बर्फ है यहां पर गाड़ियों में बादल तोड़ आप देख सकते हैं कि जंजीर के बगैर किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं मिल रही है गुलमर्ग जाने की। 4x4 व्हीकल्स के साथ साथ यहां पर बाजार तो जो निजी जो गाड़ियां हैं उनको अगर जंजीर होगी तो उसी के बाद उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत मिल रही है। सैयाद इमकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में एक बार फिर आज इंतजाम मुतहरक हुई क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि गुलमर्ग की तरफ जो गाड़ियां बगैर जंजीर के रवाना हुई थी उन गाड़ियों को काफी मुश्किल पेश आई थी तो आज जम्मू कश्मीर पुलिस और टूरिज्म पुलिस और महकमा सैयाहत के लोग बिल्कुल मुतहरक नजर आ रहे हैं और यहां पर जिस तरीके से एडवाइजरी दी गई है कि सैयाद इमकाम गुलमर्ग के साथ साथ मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है तो ये बर्फबारी का एंजॉय करने के लिए सैयाह जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और गुलमर्ग की ओर ये काफी तादाद में सैयाह जो है पैदल ही पसंद करने जा रहे हैं और हम आपको बराह रास्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महकमा सैयाहत म्यूनसिपलिटी के अफसरान और टूरिज्म पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर मुतहरिक है और गाड़ियों को बादल तोड़ चेक किया जा रहा है। बगैर जंजीर किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी इस तरह का जो हुक्मनामा सादर किया गया है एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से और यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियों में बादल तोड़ जंजीर है तब जाके गाड़ियां जो है गुलमर्ग की तरफ जा सकती है और बादल तोड़ और गाड़ियों से भी पूछताछ की जाती है सैयाहों के साथ भी पूछताछ की जाती है महकमा टूरिज्म पुलिस की तरफ से कि किस तरह की हिदायतनामा आपको दिया गया है और ये टूरिज्म पुलिस की तरफ से इनसे पूछा जाता है किस तरह की रेट्स यहां पर है कोई चीट तो नहीं है उस बारे में इनसे पूछा जाता है तो इनकी फैसिलिटी के लिए सैयाहों की फैसिलिटी के लिए यहां पर बादल तो जंजीर जो है टायरों में होगी तभी जाके गुलमर्ग जो है गाड़ियां जा रहेंगी। यह सैयाहों की फैसिलिटी के लिए सारा कुछ एकदम उठाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैयाह जो है जोग दर जोग गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस टूरिज्म पुलिस और महकमा सैयाहत और म्यूनसिपलिटी के अफसरान यहां पर इस वक्त बिल्कुल मुतहरिक नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें ये लाइव अपडेट आप सैयद इमकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग से देख रहे हैं कि किस तरह से सैयाहों की भीड़ उमड़ आई है सैयद इमकाम गुलमर्ग में बर्फबारी को यहां पर एंजॉय करने के लिए इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए।
आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। गाड़ियों में जंजीर है तो गुलमर्ग जा सकते हैं, क्योंकि इंतजाम नहीं चाहते हैं कि इस बार गाड़ियों के साथ साथ जो मुंसलिक जो सयाह है उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। इस हवाले से यहाँ पर बादलपुर जो इंतजाम है जो मुतरक आ रही है टंगमर्ग गुलमर्ग में, और यहाँ पर बादलपुर गाड़ियों को जंजीर लगाई गई है। 4x4 व्हीकल्स के साथ साथ जिन गाड़ियों के पास जंजीर होगी उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार अच्छी खासी बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। लाइव अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से टूरिज्म पुलिस आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि अगर सर 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 आपसे महकमा सयाहत टूरिज्म पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान यहां पर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि क्या इनमें जंजीर है, और सयाहों को समझाया जा रहा है कि जिस तरह की एडवाइजरी आप दी जा रही है कि एडवाइजरी बर्फबारी को लेकर के वो काफी एंजॉय कर रहे हैं गुलमर्ग में, काफी तादाद में सयाह जो है इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। ये लाइव अपडेट हम अपने नाज़रीन को सैयद इमकान गुलमर्ग के टंगमर्ग से दिखा रहे हैं कि यहां पर इस बर्फबारी को लुत्फ लेने के लिए यहां पर सयाह आ रहे हैं, और इंतजाम की तरफ से बादलपुर एडवाइस किया गया कि अगर बर्फबारी को एंजॉय करना है तो गाड़ियों में बादलपुर जंजीर होनी चाहिए। तमाम तर इंतजाम जो है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से गुलमर्ग में किए गए हैं, और सड़कों को जो है वो साफ रखा गया है। अंदर बाउल की अगर बात करें वहां पर बाउल में किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं मिलेगी जाने में, क्योंकि इस तरह से यहां पर इंतजाम किए जा चुके हैं। बादलपुर गाड़ियों में जो जंजीरें हैं वो लगाई गई हैं, उसके बाद ही गुलमर्ग में सयाहों को जाने की इजाजत मिल रही है। और ये एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सैयद इमकान गुलमर्ग में सयाहों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ आ रही है, और यहां पर ये सयाहों का तादाद जो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं सयाह। और ये लाइव तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर आज सुबह ही जो इंतजाम है वो मुतहरक नजर आए, क्योंकि एडवाइजरी जो है वो पहले ही दी गई थी कि यहां पर सैयद इमकान गुलमर्ग में इस बार अच्छी खासी बर्फबारी होने जा रही है। और सबसे अच्छी खबर और बड़ी खबर हम आपको देना चाह रहे हैं कि अब जाके गुलमर्ग में 10 फरवरी से जो है खेलो इंडिया का 3rd सेशन जो है वो शुरू होगा, और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम भी किए जा चुके हैं। तमाम टीमों को जो मुतहरक किया गया है, और यहां पर बादल तौर जो एडवाइजरी जो है उसका फॉलो करने के लिए यहां पर तमाम जो टीमें हैं वो आज सुबह से ही पहुंच रही है, और सैयाह जो है सभी गाड़ियों में जो बैठकर गुलमर्ग की ओर रवाना हो रहे हैं। जहां तक हम मैदानी कुछ हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि मैदानी इलाके का अपडेट भी हम आप तक पहुंचाए हैं कि अभी तक श्रीनगर की अगर बात करें वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो बालाई इलाके चाहे उसमें मच्छिल है, केरन है, टंगड़ार है, यहां पर गांधरबल की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, बड़गाम जिला बड़गाम के दूधपथरी सैयद इमकान की बात करें, यहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है और मौसम के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं, और यहां पर इस बर्फबारी से बाहर के जो सैयाह है वो काफी इसमें इंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि ये अपडेट जो हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इंतजाम की तरफ से जो एडवाइस की जा रही है उस एडवाइस का अभी आप सभी को फॉलो करना चाहिए, और ये गाड़ियों को जो है सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को जो है गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल के लाइव अपडेट के लिए आप सभी जुड़ रहे हैं गुलिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल में, आप तक ये जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है इंतजाम की तरफ से पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अगर गुलमर्ग का सफर करना चाहते हैं सबसे पहले आप रॉन्ग पार्किंग न करें, जिस तरह के अभी हमारे पास इंतजाम यहां पर जो किए गए हैं यहां पर अभी एडवाइस किया गया कि आप अपनी गाड़ियों को रॉन्ग पार्किंग न करें, और साथ साथ में अपनी गाड़ियों के टायरों में जो जंजीर बांधें, और तब जाके आप गुलमर्ग का सफर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल के लाइव नशरात में इतना ही, आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।